बनाएंगे अष्टमी के लिए अष्टमी के भोग, तो यहाँ पे हम बनाएंगे चटपटे स्पाइसी काले चने और सूजी के दानेदार हलवा जो बहुत ही टेस्टी होगा। हमारे यहाँ पे 9 दिन माता की हम पूजा करते हैं, सभी माताओं की पूजा करते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन हम 9 कन्याओं को ये भोग लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप टेस्टी चने अपने घर में बना सकते हैं, साथ ही साथ सूजी का हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस अष्टमी में आप इस तरह से रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई करना। सो चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा और चने। यहाँ पे मैंने काले चने को अच्छे से रात भर सोक करने के लिए रख दिया था और ये मैंने रात भर इसको सोक किया है। अब मैं इसको कुकर में 2 सीटी डला देती हूँ। फ्रेंड्स, कुकर में एक बारी हाई में और सिम में एक बारी हमने सीटी दिला के इसको 10 मिनट मैंने सिमर होने दिया। इसके बाद हमारे चने अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से दब रहे हैं इस तरह, ये देखिए। तो इसका मतलब हमारे चने एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे हमारे काले चने की सब्जी। काले चने बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल के, ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल के इसमें डाल दिए हैं। अब हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। तो जो हम ये अष्टमी के लिए हम बनाते हैं ये काले चने, इसमें हम प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते, सिर्फ मसालों में ही इनको स्टर करके बनाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे और ये चने एकदम चटपटे और स्पाइसी तीखे लगेंगे। तो हमारे यहाँ पे तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, तो यहाँ पे मैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा का डाल देती हूँ। जीरा को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं, जब तक ये अच्छी तरीके से स्प्लटर नहीं हो जाते तब तक। जीरा हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से स्प्लटर हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी अदरक। अदरक को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है, मैं 1 चम्मच अदरक का इसमें यूज कर रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च, ये दोनों ही मैं डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम को सिम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब अच्छे से बन चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो मसालों में हम एकदम बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को हम एकदम सिम रखेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हमने उसमें भी डाला है चनों में तो इस टाइम पे हम कम डालेंगे, और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये बेसिक मसाले हमने डाल दिए हैं, मसालों को तेल में भून लेते हैं अच्छे से। मसाले तेल में बहुत जल्दी भुन जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि मसाले हमारे जल जाएं। अब मसाले भी भुन चुके हैं, तब हम डाल देंगे इसमें हमारे चने। चनों को हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था, अब हमने इसमें चने डाल दिए हैं। अब हम चनों को अच्छी तरीके से पका लेते हैं, ढक के पका लेते हैं ताकि हमारे चनों का सारा पानी सूख जाए। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे चने का पूरा पानी सूख चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चने एकदम सूखे हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी ये लग रहे हैं। तो लास्ट में मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हरा धनिया। अब हमारी ये काले चने की रेसिपी एकदम बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी चटपटे चने बनकर तैयार हैं। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर मैं इसमें डालना भूल गई थी एक्चुअली, तो अभी लास्ट में मैं डाल देती हूँ आमचूर पाउडर। तो 1/2 चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल देती हूँ, जिससे क्या खटास हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया हमारे चने लगेंगे, एकदम चटपटे हो जाएंगे। तो एक बार इसको स्टर कर देते हैं, और अभी मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया, तो करीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह मैं इसको हिला लेती हूँ और आमचूर पाउडर को भी इसमें अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। करीबन 5 मिनट के बाद अब हमारे ये चने की रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्पाइसी बने हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब बनाएंगे हम हमारा सूजी का हलवा। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने पैन ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी, तो मैं 1/2 कप देसी घी का इसमें यूज करूंगी। थोड़ा सा और डाल देते हैं, देसी घी से ही हमारा सूजी का हलवा टेस्टी बनेगा।
तो यहाँ पे हमने देसी घी डाल दिया और अब मैं डालूंगी एक कप सूजी। अब ये सूजी डाल दी, अब सूजी को हम बढ़िया तरीके से भून लेंगे। जब तक ये थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाए ना, तब तक हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसको लगातार स्टर करते रहेंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसकी स्मेल भी में भी चेंज आएगा, साथ ही साथ इसका कलर भी सुनहरा हो जाएगा। हमारा ये अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हमको इसको और गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। ये मैंने घर में ही इलायची पाउडर प्रिपेयर किया है और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने काजू बादाम ले लिया है, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे किशमिश। किशमिश डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इस टाइम पे हम इसलिए डाल देते हैं ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी इसी में अच्छी तरीके से भुन जाएं, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स को पहले भुना नहीं था, तो ये इसी टाइम पे अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। इसको एक मिनट के लिए भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सूजी जब गर्म होती है तो ये सबसे ज़्यादा जलने का इसका डर होता है। ये एकदम से गर्म हो जाती है और जब ये अच्छी गर्म होती तब हमको इसको लगातार स्टर करते रहना है। और इसमें मैं डाल दूंगी ये खोपरा, जिस नारियल यहाँ पे मैंने लिया था, नारियल को यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर दिया, तो ये भी हम डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सूजी के हलवे में डालनी ही चाहिए। अब हम इसको करीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से और फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जितना आप सूजी को फ्राई करेंगे उतनी आपके सूजी का हलवा टेस्टी बनेगा। थोड़ा पेशेंस का काम है। यहाँ पे हमारी सूजी अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, तब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक कटोरी चीनी इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ, तो आधी कटोरी चीनी हम डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और इसमें मैं डालूंगी पानी। तो यहाँ पे मैंने ये गुनगुना पानी इसमें डालेंगे हम। पानी डाल दिया मैंने इसमें 2 कप के करीबन, और इसको अच्छे से हम स्टर कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हमारा पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा सूजी का हलवा तैयार हो जाएगा। स्टर करते रहेंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से स्टर होता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सार हो रहा है, पर हम इसको और अच्छे से थोड़ा चला लेते हैं ताकि ये बढ़िया हो जाए। ये देखिए 5 मिनट इसको और अच्छे से चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तवे का इसमें यूज किया था। नॉनस्टिक से क्या होता है, नीचे चिपकता नहीं। आप चाहें तो नॉर्मल कोई सी भी कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। हलवा भी बनकर तैयार है। यही 2 बेसिक चीजें होती है जो हम अष्टमी में बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। इसको भी मैं एक बोल पे निकाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे अष्टमी के ये रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके में मैंने आपको बताई थी। इस अष्टमी में आप इस तरीके से रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई करना। सभी कन्याओं को, साथ ही साथ आपके घर में जिनको भी आप सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। बाय, वापस मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।